आर्टिकल 370 मूवी का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ मैं फिर से। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ये फिल्म आई थी, ये फिल्म बनाई थी आदित्य धर ने, ये डायरेक्टर थे। उस टाइम पे इन्होंने ऑडियंस का तो दिल जीत लिया था, उसके अलावा इसकी जो लीड एक्ट्रेस थी ना यामी गौतम, उनका भी दिल जीत लिया। रिजल्ट ये निकला कि इस फिल्म के बाद में, उसकी सक्सेस के बाद में, दोनों ने शादी कर ली। अब फिल्म पे आते हैं रिव्यू पे। तो ये आर्टिकल 370 जो मूवी है वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक आई थी, उसके जैसा जादू जगाएगी या नहीं ये देखेंगे इस वीडियो में। 370 का जो इशू है ना वो मतलब इतना फेमस है और आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय था वो उस टाइम पे भी, तो आम जनता जो है ना वो जानती है उसको अच्छे तरीके से, और उसको हटाने की जो प्रोसेस है ना उस पे फोकस है भी नहीं मेकर्स का। मेकर्स ने दिखाया है कि हटाने से पहले तैयारियां क्या क्या की गई थी, ये जनता को दिखाया जाए, और ये बात सही है, ये पब्लिक को नहीं पता था। उन्होंने आर्टिकल 370 के प्रो कॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या असर होता है, वो कुछ नहीं दिखाया। बस गवर्नमेंट की उसको हटाने को लेके मतलब क्या इंटेंशन थी उसके पीछे, उसके अलावा उन्होंने तैयारियां क्या की थी, इस पे फोकस किया मेकर्स ने। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। फिल्म को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया ताकि आपको पूरा इशू आसानी से समझ में आ सके देखते टाइम। फर्स्ट चैप्टर में एक आतंकवादी की मौत हो जाती है, ये टाइम दिखाया 2016 का। उसकी मौत के बाद में पत्थरबाजी होती है, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारा सीन होता है 2016 में। स्टोरी फिर वहां तक जाती है जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है जम्मू कश्मीर में। सेकंड फोकस मूवी इस बात पे करती है कि जब जम्मू कश्मीर में 370 हटाई गई थी ना, तो गवर्नमेंट ने हटाने से पहले जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, उसकी जांच की थी। सबसे पहले संविधान में उन खामियों की पहचान की जिनसे मतलब वो 370 हटाने में हेल्प मिल सके गवर्नमेंट को। इस फिल्म की जो स्टोरी है ना वो खुद आदित्य धर ने खुद ने लिखी है, और मैं आपको बता दूं मेन फोकस जो है ना वो देशभक्ति पे रहा है, पेट्रियोटिज्म पे। जब आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा जिस इमोशन पे फोकस किया है ना वो देशभक्ति पे किया है, क्योंकि इशू दिखाना एक बहाना होता है बस। देशभक्ति के नाम पे आजकल सिनेमा में खूब पैसे बटोरे जा रहे हैं, और यहाँ इस फिल्म में 370 में मेकर्स जो है ना वो देशभक्ति को दिखाने में खूब कामयाब हुए बहुत अच्छे तरीके से। लीड एक्टर्स में दो फीमेल एक्ट्रेस हैं, एक यामी गौतम और एक प्रिया मणि, और दोनों ने बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत अच्छी एक्टिंग है दोनों की। खास करके यामी गौतम ने अपना कैरेक्टर बहुत सही तरीके से पकड़ा। पीएम मोदी के रोल में अरुण गोविल को लिया है, उनका मतलब जो फेस कट है ना वो मोदी जी से नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी उनका काम सेटिस्फाइंग तो है, अच्छे लगते हैं वो देखने में, और मोदी के रोल पे सूट भी करते हैं। गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनके रोल में किरण कर्माकर है, और उनकी भी एक्टिंग बढ़िया है। बस एक दिक्कत ये होती है वो फिजिकली अमित शाह नहीं लगते, थोड़ा सा वेट और बढ़ा लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। बाकी साइड एक्टर्स जितने भी है ना सबकी कास्टिंग भी अच्छी है और सबने काम एक्टिंग भी बढ़िया की है। अगर टेक्निकली मैं बात करूँ ना तो सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया है, सीन के अकॉर्डिंग है, आपको देखते टाइम सब कुछ हेल्प ही करेगा फिल्म में। मेरी तरफ से इस पिक्चर को 5 में से 3 स्टार। ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, इसलिए आप एक बार इसे जरूर देखें। कुछ कहना हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं, ताकि ऐसी वीडियोज और रिव्यूज आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।